नमस्कार, TCP24 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। देश और दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की दवा बनाने एरी चोटी एक कर रहे हैं। इस महामारी की दवा के लिए जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार परीक्षण कर रहे हैं, वहीं पतंजलि योगपीठ के बाबा रामदेव ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस महामारी की 100% कारगर दवा बना ली है, जिसे उन्होंने सर्टिफाइड भी कराया है। जिसे लेकर आज हम MDHP हर्बल के डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी से जानेंगे कि बाबा रामदेव द्वारा निर्मित इस दवा की सच्चाई क्या है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना को लेके अगर कोई सकारात्मक खबर आती है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया तो यही है कि उसका स्वागत होना चाहिए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन साथ में ये हमको देखना होगा कि सचमुच ये कोरोना में कितना कारगर है, क्योंकि 100% कारगर होने का दावा अगर कर रहे हैं बाबा रामदेव जी, तो इनकी जो अन्य दवाइयां भी बाजार में हैं वो भी 100% कारगर नहीं है। क्योंकि बाबा रामदेव जी दवाइयों पे रिसर्च के लिए नहीं जाने जाते, दवाइयों के आयुर्वेद के योग के दोहन के लिए हम उन्हें जानते हैं, और मैं उनको बहुत एक कुशल व्यापारी मानता हूँ, और व्यापार करने में कोई मैं अपराध नहीं देखता, कोई मेरी रंजिश नहीं है उनसे। लेकिन मेरा मानना है और मेरे ख्याल से हम सभी आयुर्वेद से जड़ी बूटियों जुड़े लोग जो हैं, हमारा मानना है कि जो आयुर्वेदिक कंपनियाँ हैं वो जो उत्पादन बनाती हैं, तो अगर आयुर्वेदिक कंपनियों के कारखाने से 100 ट्रक माल निकलता है रोज, इसका मतलब 100 ट्रक जड़ी बूटी जंगल से निकलती है। तो इस तरह से अगर जड़ी बूटियों का दोहन होगा तो धीरे धीरे बहुत सारी जड़ी बूटियां विलुप्त हो गई हैं जंगलों से, ढूंढने पे भी नहीं मिले, और जंगल भी दिनों दिन खत्म होते जा रहे हैं। तो हर्बल का जो उपयोग बढ़ रहा है ये आएगा कहाँ से? इसके लिए किसानों को इसकी खेती के लिए आगे आना पड़ेगा, जबकि इसकी खेती कहीं नहीं हो रही है। ये कंपनियां नाम मात्र के लिए भले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें, हर्बल की खेती बहुत कम, कहीं हो ही नहीं रही है। अब अगर इसकी खेती नहीं होगी तो होगा क्या कि जैसे च्यवनप्राश में आप देखते हो 32 प्रकार की जड़ी बूटियां लेबल में लिखी रहती है, लेकिन ईमानदारी से अगर जांच कराएं तो 32 जड़ी बूटियों में से आप ये मानिए कि 70% जड़ी बूटियां मिसिंग है। ये हालत, यही कारण है कि आयुर्वेदिक दवाइयां एलोपैथी की तुलना में उतना तेजी से असर नहीं कर पाती, और धीरे धीरे आयुर्वेद से लोगों का विश्वास उठते गया। तो बाबा रामदेव जैसे जो कंपनियां हैं उनको चाहिए कि प्रॉपर रिसर्च करें और शुद्ध दवाइयां बनाएं, किसानों से जड़ी बूटियों को लें, और तभी कारगर होगा। वरना कोरोना काल में भी लोग देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कंपनियां फायदे में आने के लिए, तो अब समझिए कि लोगों के अंदर कोरोना के लिए कितना डर बैठा हुआ है। अगर उस डर को, उस भया दोहन करके हम पैसा बनाने के लिए कंपनियां आएंगी तो निश्चित रूप से तात्कालिक फायदा तो लोग उठाएंगे, लेकिन वास्तव में कोरोना के लिए कितना कोरोना के मरीजों को फायदा मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। इनका जो सर्टिफिकेशन है वो भी हम देखें कि क्या वास्तव में इसके ऊपर पर्याप्त शोध हुआ है, रिसर्च हुआ है, क्लिनिकल टेस्ट हुए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के सामने इन चीज़ों को रख के हम लोग देखें कि वास्तव में हमारी जो दवाई है, अन्य जो दवाइयां हैं जैसे ग्लेनमार्क की भी एक दवाई आई है फेवरफियर, और एक दवाई आई है वो भी दावा कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि कितनी अच्छी है। हम अपनी चीज को बुरा बोलेंगे तो ये आगे कैसे बिकेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सच में उसमें गुण नहीं है तो बाद में हमारी जग हसाई होगी, हमारे देश की बदनामी होगी। तो बेहतर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर उतर रहे हैं तो हम सारी चीजों को जांच के उतरे, नहीं तो इससे आयुर्वेद बदनाम होता है, हर्बल सेक्टर बदनाम होगा। हालांकि बाबा रामदेव व्यापार के क्षेत्र के बड़े कुशल पहलवान हैं, व्यापार के अखाड़े के, मार्केटिंग के अखाड़े के कुशल पहलवान हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्होंने पटकी दी है, लेकिन कोरोना को लेकर जो दवाई लेके आ रहे हैं इसमें अगर गुणवत्ता में कमी नहीं होगी, हालांकि 60-70% लोग तो कोरोना से ऐसे ठीक हो जाते हैं,
इनकी दवाई अगर 100% का दावा कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बाकी लोगों के लिए लाभ आशा की किरण है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बाबा रामदेव लगातार कई गंभीर बीमारियों की दवा बनाने का दावा करते हैं, जिस पर कई बड़े बड़े आरोप भी लगते रहे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोपों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा सीधा, लेकिन दो चीजें होती हैं। बाबा रामदेव की कंपनी जिस गति से तेजी से आगे बढ़ी और कई बड़ी कंपनियों के बाजार को इन्होंने काफी हद तक हासिल किया या कह सकते हैं छीना, और उससे एक स्वाभाविक विरोध था, ये भी है। कुछ विरोध केवल विरोध के लिए होता है, कुछ ये बात भी सही है कि बाबा रामदेव बाजार से ही जड़ी बूटियां खरीदते हैं, और बाजार में जो जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटी दो शब्द है, जड़ी मतलब जड़, बूटी यानी पत्तियां, सूखने के बाद जड़ी अलग अलग पत्तियों को पहचानना बड़ा कठिन होता है आयुर्वेद में, और 1-2 किलो अगर हो तो सूंघ के चक्के पता करेंगे, जब ट्रको ट्रक आपको खरीदना है तो कहां से पहचानेंगे। तो बाजार में जो जड़ी बूटियां बिक रही हैं वो शुद्ध नहीं है ज्यादातर, अगर हम पाएंगे भाई हमारे देश में आप देखते हो दूध मिलावटी बिकता है, अनाज बिकता है, सस्ती सस्ती चीजें 25 रुपए किलो की चीजों में मिलावट है, तो ये 1000 रुपए किलो वाली चीज में तो मिलावट है ही, यही कारण है काम नहीं करती। तो बाबा रामदेव जी पे जो आरोप लग रहे हैं वो तो सरकार जाने और जांच करने वाले जाने, लेकिन मेरा मानना है कि इनकी सारी दवाइयां या जिस आशा के साथ हम लोग बाबा रामदेव की दवाइयों के साथ जुड़ते हैं, कई बार उतनी आशा पूरी नहीं होती, फिर भी हम मानते हैं कि दूसरे की तुलना में इनका प्रयास अच्छा है। जी बिल्कुल, पतंजलि के प्रोडक्ट पर नकली सामानों का उपयोग किए जाने का आरोप जो है लगातार लगते जाता है, इस पर ये पतंजलि के प्रोडक्ट पर जो नकली सामान बेचने का जो आरोप लगते जाता है, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, बाबा रामदेव जी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट जहां तक हम लोग जानकारी है खुद नहीं बनाते, बहुत सारा काम जॉब वर्क पे कराते हैं, और जब हम जॉब वर्क पे कुछ काम कराते हैं, काफी कुछ दूसरों से लेते हैं, तो हम उसकी गुणवत्ता को लेके आश्वस्त नहीं हो पाते। सोर्स ऑफ ओरिजिन वेरिफिकेशन जो एक प्रक्रिया है वो कई बार पूरी नहीं हो पाती, यही कारण है कि कई बार जो प्रोडक्ट दावा करता है उस दावे पर प्रोडक्ट नहीं उतरता। तो बाबा रामदेव जी के प्रोडक्ट के साथ भी कई बार ये बातें आती हैं। अब जैसे सरसों तेल, अब सरसों तेल बाबा रामदेव जी का है, हम सब जानते हैं कि बाबा रामदेव जी का ना सरसों उगाने से कोई मतलब है, न सरसों की खेती से मतलब है, ठीक है। और यदि कोई दूसरा आदमी तेल बना के पैक करके बाबा रामदेव जी के कंपनी से उनको देता होगा तो आप कैसे उसकी शुद्धता की गारंटी ले पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद राजा राम जी हमारे साथ बने रहने के लिए। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कोरोना की दवाई मिलने की, आप सबको बधाई। तो ये थे हमारे साथ MDHP हर्बल के डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी, जिन्होंने बाबा रामदेव द्वारा कोरोना महामारी के दवा बनाने के दावे पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए कई आयुर्वेदिक चीज़ें जैसे तुलसी गिलोय हम खुद अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे थे, तो उन सारी चीज़ों को मिलाकर बाबा रामदेव ने दवा तैयार की है, तो क्या बाबा रामदेव सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं? दूसरा सवाल ये खड़ा उठता है कि बाबा रामदेव जब खेती करते ही नहीं तो उनके पास ये जड़ी बूटियाँ आती कहाँ से हैं? आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।